आप पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय बंद करने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद करने के विरोध में सरजू पांडे पार्क में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम के प्रतिनिधि को सौंपा। इस दौरान आप जिला अध्यक्ष विवेक राय विकास प्रकोष्ठ किसान प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नागेंद्र यादव ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है क्योंकि निजी विद्यालय को बढ़ावा देना चाहती है। जिला मीडिया प्रभारी नागेंद्र शर्मा और जखनिया विधानसभा अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि योगी जी की सरकार संविधान विरोधी सरकार है क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार है जिसे सरकार योजनाबद्ध तरीके से बंद करना चाहती है। सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष जावेद अहमद उपमलेश चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय हो गई है। स्थिति यह है कि कहीं विद्यालय जर्जर कहीं पेयजल की असुविधा शिक्षक की कमी आदि समस्या से जूझ रहा है। मनोज यादव टीका और दिनेश कुमार गौतम ने कहा कि सरकार गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखकर गरीबों के अंधकार में डुबाना चाहती है। इस दौरान जिला अध्यक्ष विवेक राय जिला उपाध्यक्ष जावेद अहमद जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्र सुभाष चंद्र वर्मा सदर विधानसभा अध्यक्ष हनुमान बिंद जिला मीडिया प्रभारी नागेंद्र शर्मा कमलेश चौहान सलमान सईद जखनिया विधानसभा अध्यक्ष अजय वर्मा किसान प्रकोष्ठ वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नागेंद्र यादव मनोज यादव टीका सुरेंद्र यादव कवि जी जंगीपुर विधानसभा अध्यक्ष रामकीर्त यादव आदि मुख्य रूप से इस आंदोलन में मौजूद थे। G72 न्यूज के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। नफरत की राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया के द्वारा झूठ फैलाना बंद करो, बंद करो। इस प्रयोजन से हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो 27,000 स्कूल हमारे बंद करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है उसके प्रयोजन में हम लोग आज संजय भैया के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन उन गरीब मजलूम बच्चों के लिए है, उन टीचरों के लिए है जिनकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से नाकाम रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दिल्ली मॉडल हमारा उठा के देख लीजिए, आज वहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं और यहाँ बच्चों के भविष्य के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही है अभी।